ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गृहमंत्री सोएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया है। भारतीय मूल की सोएला ब्रेवरमैन ने फिलिस्तीन के मामले में ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध में बयान दिए थे। ऋषि सुनक की पार्टी के अंदर कई दिनों से ये मांग उठ रही थी। सोएला ब्रेवरमैन ने फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति बहुत ज़्यादा नरमी बरतने का आरोप लगाया था और साथ ही गाजा में सीज फायर की मांग कर रहे फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों की भीड़ को नफरती मार्च बताया था। ऋषि सुनक ने सोएला ब्रेवरमैन की जगह जेम्स क्लेवर्ली को नया गृहमंत्री तैनात किया है और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, उनसे समझते हैं इस खबर के बारे में। प्रभु दयाल जी, एक बड़ा बदलाव है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम समझे तो सोएला ब्रेवरमैन को हटाना यहाँ पर, इसके पीछे आप उनकी बयानबाजी को बड़ी वजह मानते हैं या फिर ब्रिटेन की विदेश नीति? जी, उनको हटाने के पीछे उनकी बयानबाजी सबसे अधिक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। वो कई चीजों पे, कई मुद्दों पे बयान देती रही हैं जो कि ऋषि सुनक सरकार के विरुद्ध थी, और ऋषि सुनक ने पूरी कोशिश की कि उनको रोका जाए, लेकिन वो काबू में नहीं आती थी। अभी हाल में ऐसा हुआ कि 8 तारीख को टाइम्स न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि पुलिस को इवन हैंडेड होना चाहिए। जो प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे पैलेस्टीनियंस और राइट विंगर्स, उसमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं अपनाने चाहिए। उनका कहने का ये मतलब था कि पुलिस जैसे पैलेस्टीनियंस को, लेफ्ट विंगर्स को सपोर्ट करती है। अब जब ये आर्टिकल ऋषि सुनक के ऑफिस गया तो उसमें बहुत सी चीजें उनको हटाने के लिए कही गई। इसको जिम्मेदारी समझी जाती है जो लिखे मिनिस्टर आर्टिकल की, वो भेजे प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई चीज ना मंजूर हो तो उसको वो बताते हैं, और ब्रेवरमैन को कहा गया कई चीजें हटाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये एडिटोरियल चेंजेस अधिकतर नहीं किए। और जब ये आर्टिकल टाइम्स में छपा 8 नवंबर को, तो जरूर इस बात से ऋषि सुनक बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनकी मंजूरी के बगैर इस तरह का आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें सरकार की। सोएला ब्रेवरमैन का इस तरह का एक राय रखना, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी एक सीनियर लीडर है वहाँ की और ऋषि सुनक भी एक युवा प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके सामने भी जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो बड़ी चुनौतियां मानी जा रही थी, तो आपको लगता है कि ये फैसला उनके लिए थोड़ी मुश्किल भी पैदा कर सकता है या ये ठीक फैसला है? देखिए, जैसा आपने सही बताया, ये पुराना मामला है, और जब ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने तब उनके कॉन्टेक्स्ट में, उनसे उनके विरोध में जो कैंडिडेट थी वो सोएला ब्रेवरमैन थी। इन्होंने ऋषि सुनक के खिलाफ वो चुनाव लड़ा था, ये हार गई थी, तो इनके दिमाग में जरूर गिला शिकवा है। और इनको समर्थन मिलता रहा है एक्सट्रीम राइट विंग मेंबर से। ये एक एक्सट्रीम राइट विंग की सपोर्ट से ये बात करती हैं, और उनके बताई हुई बातों पर ही ये आर्टिकल लिखा गया था। ये राइट विंगर है और इस वजह से ये टकराव पैदा हो गया, और फिर ये इनको हटना ही बिल्कुल जरूरी था। बल्कि बहुत से जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं और ऋषि सुनक के सपोर्टर्स, वो ये कह रहे थे कि ऐसे सज्जन को कैसे, आप ऐसी लेडी को कैसे रखा हुआ है गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करती है, तो इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है। अब पुलिस के विरुद्ध उन्होंने बहुत सी बातें कही, ऐसा उन्होंने जाहिर किया कि पुलिस जो है वो राइट विंग के जो लोग हैं उनके खिलाफ काम करती है, तो इससे सरकार को बहुत नाराजगी हुई और फिर ये जरूरी हो गया कि सोएला ब्रेवरमैन को हटाया। और एक और जो यहाँ पर बड़ा चेंज है वो डेविड कैमरन है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको ब्रिटेन का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है सर कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट में मंत्री बने, इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि डेविड कैमरन का भी अगर अनुभव देखें, जिस वजह से इनको छोड़ना पड़ा था अपना पद, उस हिसाब से ये कितना जो है मदद कर सकते हैं ब्रिटेन के लिए विदेश नीति को लेकर या इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए? देखिए, मैंने सरसरी तौर पर ब्रिटिश मीडिया पे जो इंटरनेट पे खबरें आती है मैंने देखी, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद डेविड कैमरून को फिर इस हाई प्रोफाइल पोजीशन में
फॉरेन सेक्रेटरी जो वहां का फॉरेन मिनिस्टर होता है उनको ये बनाया गया, क्योंकि फिर से ये पब्लिक के सामने और कंजर्वेटिव पार्टी के सामने ये उनको ये पेश किया जा रहा है कि क्या ये फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है कि वैसे तो ये फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं लेकिन इनके सपोर्टर जो कि राइट विंगर्स भी है लेफ्ट विंगर्स भी है और इनको ब्रेक्सिट की वजह से जाना पड़ा था लेकिन ये बात नहीं कि इनको सपोर्ट चला गया था इनका। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम हो रहा है। एक तरफ तो ऋषि सुनक है प्राइम मिनिस्टर और इनको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पर लाया गया है। तो इसमें कुछ कुछ गेम भी हो सकती है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से तो ऋषि सुनक अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से एक्सट्रीम राइट विंगर्स जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई इंडियन ओरिजिन वहां का प्राइम मिनिस्टर हो। ये बातें काफी सामने आई हैं। तो हो सकता है कि ये जो डेविड कैमरन को इस तरह से फॉरेन सेक्रेटरी के लिए पुश करके लाया गया है तो ये एक ऑल्टरनेटिव लोगों के सामने में रखा जा रहा है। देखना है क्या होगा लेकिन बहरहाल अभी जो बात जो हो रही है सुएला ब्रेवरमैन को हटाने की वो इस वजह से क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत नाराज किया और कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा एम्बैरेसमेंट इन्होंने पहुंचाया। ये जो चेंजेस हैं सर ये इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस भी ड्यू हैं बहुत जल्द वो भी होने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि ऋषि सुनक का कि इस तरह के फैसले इतने बड़े स्तर पर बदलाव करना ये किस तरफ क्या दर्शाता है यहाँ पर? ये दर्शाता है कि ऋषि सुनक ये नहीं चाहते हैं कि उनकी कैबिनेट के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हों जो उनके पॉलिसीज के विरुद्ध काम करें। भाई अगर आप गवर्नमेंट के सदस्य हैं अगर आप गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज ना करें आर्टिकल ना लिखें और बयानबाजी ना करें जिससे सरकार को एम्बेरसमेंट हो और सुएला ब्रेवरमैन वही कर रही थी। तो ऋषि सुनक के कई मिनिस्टर जो हैं वो ये चाहते थे कि भाई इनको हटाया जाए क्योंकि ये इनसे नुकसान बहुत हो रहा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभुदयाल पूर्व राजनयिक जो बता रहे थे कि क्या वजह यहाँ पर हो सकती हैं ये बड़े फैसले यहाँ पर लेने के पीछे, तो बड़े स्तर पर बदलाव जो है ऋषि सुनक की तरफ से यहाँ पर किए गए हैं।